दोस्तों इस समय बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई आप हमें विष्णु प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आखिर विष्णु प्रोजेक्ट क्या है और विष्णु प्रोजेक्ट कब तक भारत बना के तैयार कर लेगा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को विष्णु प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, ये कितना ज्यादा खतरनाक होगा और इसके तहत आखिर कौन से हथियार बनाए जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक हिसाब से विष्णु प्रोजेक्ट काफी ज्यादा एडवांस और खतरनाक हथियारों से भरा होगा जो कि भारत को सुपर पावर बना देगा। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बस वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए दोस्तों मौजूदा समय में देखा जाएगा तो उन्हीं हथियारों को वैल्यू दी रहा है। देखिए दोस्तों मौजूदा समय में अगर देखा जाएगा तो दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइलों का दबदबा बहुत ही ज्यादा हो रहा है। रशिया ने जब हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर अपनी सेना में शामिल कर लिया उसके बाद रशिया की ताकत में काफी ज्यादा इजाफा हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखा जाएगा तो अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश भी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में लगे हैं। अब ऐसे में हमारा प्यारा भारत देश हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने में कैसे पीछे रह सकता था। इसी को देखते हुए दोस्तों भारत ने चालू किया विष्णु प्रोजेक्ट। विष्णु प्रोजेक्ट के तहत भारत एक नहीं बल्कि दो दो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाला है। पहली जो हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक मिसाइल होगी और इस हाइपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज होगी वो लगभग 1500 किलोमीटर से लेके 2500 किलोमीटर के बीच में होगी। और शुरुआती तौर पर भारत इसी हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाया जा रहा है विष्णु प्रोजेक्ट के तहत। लेकिन दोस्तों जैसे ये मिसाइल बनके तैयार होती है उसके बाद भारत यहाँ पे बनाएगा एक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल, यानी कि दोस्तों एक एयर वर्जन मिसाइल। इस मिसाइल की जो स्पीड होगी वो 8 मैक से लेके 15 मैक के बीच में होगी और इस मिसाइल की रेंज भी लगभग 350 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच में होगी। देखिए दोस्तों शुरुआत में भारत सरफेस टू सरफेस मिसाइल बनाएगा क्योंकि ऐसी मिसाइलें बनाना थोड़ा सा आसान है, लेकिन एयर वर्जन की जो मिसाइलें हैं उन्हें बना पाना थोड़ा सा कठिन काम है, तो इस वजह से उसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो अगर देखा जाएगा पहली मिसाइल तो हमारी जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है वो लगभग 2025 से 2027 तक बनके तैयार हो जाएगी और सेना में भी शामिल हो जाएगी। लेकिन जो एयर वर्जन मिसाइल है उसे बनने में कम से कम अभी 7 से 8 साल का समय लग सकता है, यानी कि दोस्तों 2030 तक उस मिसाइल को भारतीय सेना में शामिल कर दिया जाएगा। अभी आपका क्या मानना है भारत के विष्णु प्रोजेक्ट के तहत, आपको सारा कुछ समझ में आ चुका होगा कि विष्णु प्रोजेक्ट क्या है और ये हमारी सेना में कब तक शामिल होगा। नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप विष्णु प्रोजेक्ट को लेकर हमारे देश के साइंटिस्टों को लेकर एक लाइन जरूर लिखिएगा। बस चलते चलते आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों चलता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।